नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ रणजीत जी जुड़ रहे हैं जो एक बिजनेसमैन हैं, उनसे जानते हैं डेरा सच्चा सौदा वैसे डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिंसा के बारे में, इनका क्या कहना है। नमस्कार सर, रणजीत जी आपका द फैक्ट टाइम में स्वागत है जी। सर, डेरा सच्चा सौदा को कितने समय से जानते हो? मैम 86। कैसा माहौल लगता है सर आपको डेरा सच्चा? बहुत बढ़िया। सर कितनी बार आप डेरा सच्चा सौदा में आए हो? तकरीबन मंथली आता हूँ। सर आपकी फैमिली भी आती है? सब ही आते हैं। बेटियों को लेकर माहौल कैसा लगता है सर आपको यहाँ पे? जी जी सर, यहाँ पे तो बहुत बढ़िया माहौल। सर जो मीडिया में दिखाया जा रहा था पिछले 3-4 सालों में, क्या कहना चाहोगे सर उन खबरों के बारे में? देखो मीडिया जो बोल रहा है या तो हमें दिखलाता, हम फिर मानते। हमने तो ऐसा कुछ देखा नहीं है। मीडिया एक दिन में आके सभी कुछ देख गया, हमें 86 से आ रहे हैं, हमें तो कुछ देखा नहीं। सर जो इतना आरोप गुरुजी के ऊपर लगाए जा रहे हैं, उन सब आरोपों के बारे में क्या कहना है सर आपका? आरोपों का मैम ये वैसे गुरुजी बोलते थे पहले ड्रग माफिया है और पॉलिटिकल है प्रेशर, वोटों का नोटों का सभी चक्कर चलता है। आपको क्या लगता है सर असलियत क्या है, गुरुजी ने किया क्या है सर समाज के लिए? तो जो गुरुजी ने किया आज तक किसी ने किया ही नहीं समाज के लिए। हम लोगों को सीधा राह सही राह दिखाया, मालिक को मिलने का राह दिखाया, सच पे चलने को सिखाया। हम लोगों के गरीबी थी, आज हम गाड़ी में घूमते हैं, जहाज़ों में भी घूमते हैं, पहले हम साइकिल पे भी आ सकते थे। गुरुजी ने नाम दिया, हम उनके रास्ते पे चले, हमारे घर से गरीबी ख़त्म हो गई। कैसा सभी के साथ? सर 3-4 सालों से संत जी समाज में नहीं है, क्या प्रभाव पड़ रहा है सर समाज के ऊपर? बहुत बुरा असर पड़ रहा है। देखे गुरु जी यहाँ थे, सत्संग करते थे, लाखों लोग सत्संग सुनने आते थे, उनके मन पे प्रभाव पड़ता था, लोग नशे बुरी आदतें छोड़ते थे, उसमें सुधार हो रहा था। अब दिन पर दिन आप ही लगा लो ड्रग नशा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्राइम ज़्यादा बढ़ गया है, जितनी बुराइयाँ सब बढ़ रही हैं। कोई बताए, अब मीडिया बताए, मीडिया कहाँ है? उस वक्त बोल रहा था ऐसा ऐसा है, अब रोज़ कोई ना कोई नई परेशानी आती है, तो अब मीडिया क्यों नहीं दिखाता? सर ज़रूरत है संत जी की समाज को? बहुत ज़्यादा। क्यों ज़रूरत है सर, उन्होंने मतलब ऐसा समाज के लिए क्या किया है जो आज समाज उनकी मांग? देखो मैम, जो लोक भलाई के कार्य जितने गुरु जी ने किए हैं, कोई भी बताए भी किसी ने इतना किया, सफाई अभियान भी चलाए, सत्संगें की, गरीबों को मकान बना के देना, राशन देना, फ्री इलाज करवाना, और मेडिकल साइंस को जो दिया है वो किसी ने नहीं दिया, डेड बॉडी तक दी, आँखें दान करनी है, जितना हो सका गुरु जी ने समाज के लिए किया। आप कोई करके या तो बताएं, मीडिया बताए भी आप वो कर रहे हैं, अब गुरु जी नहीं कर रहे ना, अब कौन कर रहा है कोई बताए तो। सर जैसे आप बिजनेसमैन हो, बिजनेसमैन के लिए कुछ गुरु जी ने शिक्षा दी है क्या? बहुत ज़्यादा शिक्षा दी मैम। पिताजी बोले बिजनेस वो करो जिसकी आपको नॉलेज है, नंबर वन। ईमानदारी से करो, मेहनत से करो, आपको फल मालिक देगा। और हम लोग तरक्की कर रहे हैं, दिन पर दिन आगे जा रहे हैं, पीछे तो भी जा रहे हैं। सर आम जनता को अपनी वीडियो के द्वारा क्या संदेश दोगे जिन्होंने डेरा सच्चा सौदा को सिर्फ मीडिया के द्वारा देखा है जाना? मैं तो सभी को यही निवेदन करूँगा कि जरूरी नहीं कि जो हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं वो सही हो। जो लोग वहाँ जा रहे हैं या वहाँ रहते हैं, जो वहाँ से विचरे हैं, अगर उनकी बात सुनी जाए तो बेटर, किसी मीडिया के पीछे। अब मीडिया को हर लोग अब लगे हैं बोलने, अभी किसानों का आंदोलन चल रहा है, वो भी अब मीडिया को बोल रहे हैं कि बिकाऊ है। हम तो पहले से बोल रहे थे, तब किसी ने माना नहीं, अब किसानों ने बोल दिया, आम लोग भी अब बोलने लगे हैं। जो मीडिया की काली करतूत वो अब धीरे धीरे सबके सामने आ, जरूरी नहीं मीडिया सच बोलता हो, कोई चैनल है जो सही बोलते हैं, जैसे हमारा सच चैनल, वो
उस पर जो भी बात आएगी बिल्कुल 100% सही है। हमारे पे कोई आरोप लगा के दिखाइए ये झूठ बोला है, हम सभी को बोल रहे हैं तो झूठ बोलते हैं कुछ उनको। क्या मांग करना चाहोगे सर सरकार से? सरकार से तो मांग यही करते हैं मैम, जैसे गुरु जी हैं हमारे, उनको जल्दी समाज में भेजा जाए ताकि समाज का और बड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। समाज में जल्द वापस आने चाहिए सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रिंद सिंह जिनसा, ये समाज में लगातार मांग बढ़ती जा रही है, आखिर क्यों? ये सवाल आपके लिए, आप लोग खुले दिमाग से सोचिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए, सच की सोच को, मुहिम को आगे लेके जाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।